गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? जी बेटा, आज मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। आज मेरा उर्दू का छठा और सातवां लेक्चर है। जी बेटा, आज मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको? आज हम मुरक्कब हरूफ, पिताजी भारी हरूफ की पहचान जो हम पहले कर चुके हैं, आज पहचान की दोहराई करेंगे और उससे हम अल्फाज साइज़ी करेंगे। अल्फाज साइज़ी हम उसकी मदद से, भारी हरूफ की मदद से हम क्या करेंगे? मुरक्कब हरूफ पिताजी की मदद से आज हम अल्फाज साजी करेंगे, नए लफ्ज बनाएंगे कि ये हरूफ तहजी, मुरक्कब हरूफ तहजी अल्फाज बनाने में कैसे काम आती है और किन अल्फाज में ये इस्तेमाल होती है, किन अल्फाज में इस्तेमाल होती है, लफ्ज बनाती है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आज हम इसको पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आज हम अपनी उर्दू की पढ़िए और सीखिए बुक से इसको याद भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, ये है हमारी उर्दू पढ़िए और सीखिए। तो हम क्या करेंगे, हम उर्दू पढ़िए और सीखिए पेज नंबर 7 पे पहले हम रिवीजन करेंगे मुसव्वतों की, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। मुसव्वते कौन कौन से होते हैं? अलिफ, वाओ, छोटी और बड़ी, इन्हें क्या बोलते हैं? ये होते हैं मुसव्वते। ये क्या होती है? मुसव्वते। अब हम इनकी मदद से अल्फाज बनाएंगे। हम पहले अल्फाज बना चुके हैं, अब इनको रिवाइज करेंगे, इसके दोहराई करेंगे कि मुसव्वतों को हम अल्फाज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अलिफ से क्या बनती है? अम्मी। अलिफ से अनार, अलिफ से अलमारी, अम्मी अनार अलमारी। वाओ से क्या बनते हैं? वुजू। हम वुजू करते हैं जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? हम वुजू करते हैं, उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं। तो वुजू, वुजू में क्या इस्तेमाल होता है? वाओ। मुसव्वते कौन से इस्तेमाल होते हैं? वाओ, वुजू और वर्क। ये वर्क, ये कॉपी का वर्क, जिसे हम सफा बोलते हैं, ये वर्क होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्क। तो किससे बना? ये वाओ से बना, वर्क। वर्क और वर्जिश, वर्जिश एक्सरसाइज करते हैं हम फिट रहने के लिए। हम डेली एक्सरसाइज करते हैं कि हम फिट रहें, हमारे मसल स्ट्रांग रहें, हमारे मसल्स रिलैक्स ना हो। तो वो वर्जिश किससे बनती है? वाओ से बनती है। वर्जिश किससे बनती है? वाओ से। छोटी और बड़ी से क्या बनती है? यखनी। यखनी, यखनी, यखनी हम चिकन की बनाते हैं, हम बीफ की बनाते हैं, मटन की भी बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ताकत मिलती है, ठीक है? यखनी और ये यक्का, ये यक्का, ये यक्का, ये यक्का जी। उसके बाद हम हरूफ, इन हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएंगे। जैसे वाओ को अलिफ से मिलाएंगे, ये दोनों मुसव्वते हैं, वाओ भी अलिफ, तो क्या बना? वा, वाओ अलिफ, वा, वाओ अलिफ, वा। और उसके बाद हम अगर वाओ अलिफ के साथ लाम अलिफ ला लगाएं तो क्या बनेगा? वाला, वाला, क्या बनेगा? वाला, वाला, वाओ अलिफ वा, लाम छोटी ली, वाली, वाली। अब इसमें कितने मुसव्वते इस्तेमाल हुए? वाओ अलिफ और छोटी, वाओ अलिफ और छोटी, क्या बना? वाओ अलिफ वा, लाम छोटी ली, वाली, वाली, वाओ अलिफ वा, लाम बड़ी ले, वाले, वाले, वाओ अलिफ वा, लाम बड़ी ले, वाले। वाओ हो, वाओ है वो, वाओ है वो, वाओ है वो, वाओ अलिफ है वाह, वाओ अलिफ है वाह, वाह, वाह। हम कहते हैं ना किस चीज के बारे में वाह कहते हैं, कि चीज बहुत अच्छी बनी हो, ये काम बहुत अच्छा किया हो, तो तारीफ करने के लिए कहते हैं कि वाह बहुत अच्छा, कमाल, बहुत अच्छा किया आपने, वाह। तो ये वो वाह है। अब छोटी बड़ी और अलिफ को मिलाने से क्या अल्फाज बनते हैं? इन तीनों मुसव्वतों को मिलाने से ये अलिफ या, ये अलिफ या, पे अलिफ पा, ये अलिफ या पाया, पाया, ते अलिफ ता, ये अलिफ या ताया, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या लाया, पाया ताया लाया, गा अलिफ गा, ये अलिफ या गाया, पाया ताया लाया गाया। इसके बाद कौन सी, ये हम लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? तोए को वाओ से जोड़ा हो तो क्या बना? तो, तोए बढ़िए, ते, तो, ते। अब हमने तो को दो मुसव्वतों के साथ जोड़ा, पहले हमने वाओ के साथ जोड़ा, फिर हमने बढ़िए के साथ जोड़ा, तो क्या बना? तोते, तोते। वाओ अलिफ वा, लाम अलिफ ला, वाला, तोते वाला, तोते, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या लाया,
तोते वाला तोतेला, ये देखे तोते, तोते पैरट जिसे हम ये मिच्छू भी बोलते हैं, हमें घर में रखते हैं इसको, और ये बातें भी करता है, हमें कॉपी करता है, जैसे हमसे बातें सिखाते वैसे करता भी है और हमारे साथ खेलता भी है। तो ये है तोता, ये दो तोते एक शाख पे बैठे हैं, ये है तोते। तो वो क्या बोल रहे हैं, तोते वाला तोता तोते लाया, तोते ने गाना गाया, तोते ने गावर गा लिखना गाना, गावर गा ये लिख दिया गाया, तोते ने गाना गाया, तोते ने गाना गाया। जी हमने मुसब्बतों का इस्तेमाल पढ़ लिया, अब हम मुरक्कब हरूफ तहजीब की पहचान करेंगे, भारी अल्फाज वाले, भारी हरूफ वाले अल्फाज। ये देखिए भे, भे किस में इस्तेमाल हुआ, भाई, भे भाई, भे बा अंदर छोटी है, भाई भाई भाई, भेड़ भेड़ भेड़, भैंस भैंस भैंस। अब इन तीनों अल्फाज में क्या इस्तेमाल हुआ, मरकब ताजी मरकब ताजी कौन सा इस्तेमाल हुई, कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ, भे 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 ब भाई, भे ब भे, भे ब भैंस, भे ब भाई, भे ब भे, भे ब भैंस, भे ब भैंस। अगला है जी फे, फे फे, पे के साथ दो चश्मी ही को मिलाया तो बन गया हे, फे फे फ फल, फे प फल, फे प फल, फे प फल, फे प फल। बहुत शौक से खाते हैं हम सब लोग फल, और इनके हम फ्रूट चाट भी बनाते हैं, और इसको हम इसके हम फलों का हम शेक भी बनाते हैं। फे प फल, फे प फल, फे प फल, ये देखिए फे प फोड़ा, फोड़ा ये अब बच्चे के हाथ पे क्या निकल गया, फोड़ा फोड़ा, फे प फोड़ा, फे प फोड़ा। नेक्स्ट क्या है जी, फे प फाटक, फे प फाटक, फे प फाटक, फाटक क्या, रेल जब रेलगाड़ी आती है तो क्या होता है, फाटक बंद कर दिया जाता है, तो ये क्या है फाटक, क्या है फाटक, फे प फाटक, फे प फाटक, फे प फाटक। अब भे और फे को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे थे, ते को जब हम दो चश्मे हरूफ से मिलाते हैं तो इसकी आवाज ते से तब्दील होकर थे बन जाती है, क्या बन जाती है, थे थे थ थाली, थे थ थाली, थे थ थाली, थाली में हम रोटी खाते हैं, थे थ थाली, थे थ थाली, थे थ थाली, थे थ थैला, थे थ थैला, थे थ थैला, थे थ थैला, थे थ थैला। नेक्स्ट क्या है जी, ते के बाद ते, ते के बाद ते, बे के खानदान में पहले बे आता है, फिर पे, फिर ते और फिर ते। तो जब हम ते को दो दशमी है से मिलाते हैं तो अल्फाज तब्दील होकर टे से बन जाती है ठे, क्या बन जाती है ठे, ते ते को मिलाए है से तो मिलती है ठे बनती है, और इस ते को हम दो दशमी है से मिलाए तो बनता है ठे, ठे ठ ठीक, ठे ठ ठीक, ठीक कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक हो, तो वो ये ठीक होता है, ये देखिए ये ठीक, ठेठ ठीक, ठेठ ठंडा, ठेठ ठंडा, ठेठ ठंडा, बर्फ ठंडी होती है, हम लोग फ्रिज से ठंडा पानी पीते हैं, हम ठंडी चीजें खाते हैं, गर्मी में हम ठंडा यूज करते हैं ना कि हम लोग हम हमें गर्मी फील ना हो, तो ये वो ठंडा है, ये बर्फ है, बर्फ ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो ये है ठंडा, ठेठ ठंडा, ठेठ ठेला, ठेठ ठेला, ठेठ ठेला, ठेठ ठेला, ठेला तो आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, जब आप मार्केट में जाते हैं तो इन इन्हीं ठेलों पर बहुत से खांचा फरोश होते हैं, वो अपना सामान लेके फिर रहे होते हैं, जैसे फल लेके, सब्जी लेकर, और बाकी बहुत सी चीजें जो ठेले पे वो बेचते हैं। नेक्स्ट ते के बे के खानदान को पढ़ने के बाद हम जीम के खानदान पे आते हैं, तो जीम के खानदान में हम जीम को हे के साथ जोड़ते हैं, दो चश्मी एक साथ जोड़े तो क्या बनेगा, झे, जीम की अल्फा की साउंड चेंज होकर बन जाएगी झे, झे झ झुंझना, झुंझना झुंझना, ये बच्चों के लिए झुंझना जिससे बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे इनसे बहुत ज्यादा खेलते हैं और पसंद करते हैं, झे झ झुंझना, झे झ झंडा, झंडा हमारा झंडा, पाकिस्तान का झंडा, झे झ झूला,
जे ज झूला, झूले तो बहुत ही पसंद होते हैं हमें। हाँ झूले, जे ज झूला, झूला झूलना तो सबको बहुत पसंद है, ये वही झूला है। जे ज झुंझुना, जे ज झंडा, जे ज झूला। अब हम छे को मिलाते हैं एक के साथ दो चश्मे को, तो छे बन जाएगा छे छ छत, छे छ छल्ली, छे छ छतरी। छत आपके घर की छत, आपके रूम की छत, तो आपके रूम की छत, आपके घर की छत वही छत होती है जब आप शाम में अपनी छत पे जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो छल्ली को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। छल्ली को हम किचन में इस्तेमाल करते हैं छानने के लिए। हम छानने के लिए डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि हम आटे को छानते हैं, हम सूजी को छानते हैं, हम मैदे को और बेसन को, इन सब चीजों को हम छल्ली की मदद से छानते हैं कि वो साफ हो जाए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ गंदगी या कोई चीज जर्रात वगैरह ना रह जाए जो गैर जरूरी हो। नेक्स्ट क्या है? छतरी। छतरी छे छ छतरी। छतरी हम बारिश के मौसम में इस्तेमाल करते हैं कि हम पानी से महफूज रहे कि हम भीगे ना, और ज्यादा गर्मी में भी हम छतरी इस्तेमाल करते हैं कि हम धूप में भी महफूज रहे। जी दाल को हम जब मिलाते हैं दो चश्मे से तो बनता है ध। दाल को जब मिलाते हैं से तो ध, दाल ध, धनक ध, धनक धनक। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद आसमान पर सात रंग नुमाया होते हैं, आसमान पर सात रंग की रेनबो जिसे हम बोलते हैं वो बन जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? धनक। उर्दू में हम बोलते हैं उसको धनक, धनक धनक धनक। ध धागा, ध धनक, ध धागा, धागा जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं धागा। ध धोबी, धोबी जिससे हम अपने कपड़े वॉश करवाते हैं, जो हमारे कपड़े वॉश करता है वो कौन होता है? वो है धोबी। ध धोबी, ध धोबी, ध धनक, ध धागा, ध धोबी। ढ ढ ढेर, ढ ढेर। जब दाल को मिलाएंगे तो चश्मे के साथ तो क्या साउंड बनेगी? ढ ढ ढ ढेर। जब बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं कि ढेर। क्या बोलते हैं? ढेर। देखिए यहाँ इन्होंने कपड़ों का ढेर लगाया हुआ है, सारे कपड़ों को एक ही जगह पे रख दिया, तो ये क्या हुआ? ढेर। क्या हुआ? ढेर, 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 ढेर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ढ ढोल, ढ ढोल, ढ ढोल, ढ ढोल, ढ ढोल। ढोल तो आप सुनते होंगे ना, जब शादियों में जाते हैं तो ढोल बजते हैं और ढोल की आवाज, ढोल की थाप पर लोग रक्स भी करते हैं और आप लोग देख के महसूस होते हैं, एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ढीला, ढ ढीला, ढ ढीला। देखिए बच्चे ने कुर्ता पहना हुआ है लेकिन वो कुर्ता तो उसके साइज से बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको क्या है? ये कुर्ता ढीला है। जो भी चीज आपको अनफिट हो, जो आपको ढीली, जो आपको आपको पूरी ना हो, मतलब तंग ना हो लेकिन वो ढीली हो, जो आपको खुली हो उसे हम ढीला बोलते हैं, जो आपको खुली हो उसे हम ढीला बोलते हैं। ढीला ढीला ढीला। अब हम अड़े को दो चश्मी एक साथ बनाते हैं तो क्या बनेगा? पहला कौन सा? ये क्या कर रही है बच्ची? बच्ची क्या कर रही है? पढ़ रही है। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। जैसे आप लोग पढ़ते हैं बैठ के, ये बच्ची भी वैसे पढ़ रही है। आप लोग घर में पढ़ते हैं ना बैठ के, आप लोग अपना लेसन लर्न करते हो, अपने बुक रीडिंग करते हो, तो आप पढ़ते हो बैठ के, बच्ची भी पढ़ रही। जब पढ़ना में क्या इस्तेमाल होता है? रे, रे और दो चश्मी है, तो पढ़, पढ़ना, पढ़ना। तो ये क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है सीढ़ी, 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 जिसकी मदद से हम छत पे जाते हैं, किसी भी बिल्डिंग पे हमें जाना हो तो हम किसकी मदद से जाते हैं? सीढ़ी पे जाते हैं। तो वो सीढ़ियां, जो कुछ सीढ़ियां तरह से होती है जो हमने खुद घर में स्टेप्स बनवाए होते हैं, स्टेयर्स, ये वो सीढ़ी नहीं, ये सीढ़ी बनती है डिफरेंट मटेरियल से, आयरन से भी बनती है ये सीढ़ी, और ये सीढ़ी बैम्बू स्टिक से भी बनती है, ये लकड़ी से भी बनती है ये सीढ़ी। तो ये सीढ़ी किस लिए इस्तेमाल होती है? ये चढ़ने, ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी बिल्डिंग पे, किसी भी छत पे ऊपर चढ़ना हो हमने, जहां हमारा हाथ ना जा सकता हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सीढ़ी। क्या इस्तेमाल करते हैं? सीढ़ी। सबके घर में जरूर होगी सीढ़ी। काफ को हे से मिलाएं, खे,
खाना खाते हैं हम सब लोग, खाना खाना खाना। अभी बच्ची क्या कर रही है, खाना खा रही है आपकी तरह। आप भी तीन टाइम खाना खाते हो, दिन में तीन टाइम खाना खाते हैं हम लोग। किस लिए खाते हैं? एनर्जी हासिल करने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। और ये भी खा रही है खाना खाना खाना। आपका फेवरेट खाना कौन सा है? आपका फेवरेट खाना कौन सा है? इनका फेवरेट खाना कौन सा है? इनसे पूछते हैं ये क्या खा रही है। ये खा रही है पॉरिज खा रही है, ये पॉरिज खा रही है। और आपका फेवरेट फूड क्या है? आपका फेवरेट खाना क्या है? नेक्स्ट क्या है? ये है खीरा। ख खीरा, ख खीरा। खीरा हम खाते हैं, सैलेड में यूज करते हैं, हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, हमें खीरा खाना चाहिए। ख ख खीरा, ख ख खीरा, ख ख खीरा। नेक्स्ट है जी खिलौना। ख खिलौना, ख खिलौना। खिलौने तो बहुत से होंगे आपके पास, जिनके साथ आप खेलना पसंद करते हो, खिलौना। नेक्स्ट हम गाव को जब मिलाएंगे दो जशुए के साथ तो क्या बनेगा? घ, घ घंटी, घ घंटी, घंटी घंटी घंटी। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारा पीरियड ओवर होता है, या हमें स्कूल मॉर्निंग असेंबली के वक्त या फिर ऑफ टाइम हमारी स्कूल की बेल बजती है, उसे हम कहते हैं घंटी। क्या कहते हैं? घंटी। जो हमें बताती है कि अब आपका ब्रेक टाइम हो गया है, लंच टाइम हो गया है, या आपका होम टाइम हो गया है, आपका फर्स्ट पीरियड ओवर हुए है, तो हमें क्या कौन बताता है? घंटी बताती है। कौन बताती है? घंटी। नेक्स्ट है घड़ी, घड़ी घड़ी। सबके पास, सबके घर में मौजूद है, जो हमें क्या बताती है? हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है घड़ी, क्योंकि घड़ी हमें वक्त का बताती है कि क्या वक्त हुआ है, अब क्या टाइम है, और सुबह के क्या टाइम हो गया, शाम हो गई है, ये रात हो गई है, ये सारा हमें घड़ी बताती है। घड़ी हमें बताती है कि सुबह के चार है या शाम के चार है, घड़ी हमें सारा टाइम बताती है। नेक्स्ट क्या है? घर, घर, घर। हम सब घरों में रहते हैं, हमें हम सबको घर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि घर हमें हमें सेफ करता है, हमारी हिफाजत करता है तमाम उन चीजों से जो हमें खतरा पहुंचाती हैं। जैसे हमें हमें बारिश से बचाता है, हमें धूप से बचाता है, हमें गर्मी से बचाता है, हमें सर्दी से बचाता है, और हमें वाइल्ड एनिमल्स जो हमें खतरा पहुंचाते हैं ऐसे एनिमल्स से बचाता है जी। लस, ये लांग को हम हेसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? लांग को दो जिसमें हेसे ले बन गया। क्या बन, ये क्या है? ये है दूल्हा। ये देखिए, ये है दूल्हा। जब हम शादी पे जाते हैं तो दूल्हा देखते हैं ना, तो ये वो दूल्हा है। दूल्हा दूल्हा दूल्हा। इसमें अब ले इस्तेमाल हुआ है, लाम और हे इस्तेमाल हुआ, तो क्या बना? दूल्हा 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 दूल्हा। नेक्स्ट क्या है? चूल्हा चूल्हा चूल्हा। चूल्हा हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, हमारे किचन में मौजूद हमारा चूल्हा हमारी हेल्प करता है हमारा खाना बनाने में। चूल्हे के बगैर तुम खाना नहीं बना सकते, तो हम चूल्हे की मदद से खाना बनाते हैं। जो भी हमें खाना होता है, जो भी हमारा दिल करता है, जो हमें खाना जो पसंद हो, हम चूल्हे की मदद से बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मीम को हे से मिलाएं, मुंह। तो ये क्या है? ये है कुम्हार। कुम्हार 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 कौन होते हैं? जो मट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो मट्टी के बर्तन बनाते हैं, मट्टी के ग्लास बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, मट्टी की प्लेटें बनाते हैं, इस तरह की चीजें जो मट्टी से बनती है, मट्टी के जग बनाते हैं, मट्टी की चीजें बनाने वाले क्या बोलते हैं? कुम्हार। क्या बोलते हैं? कुम्हार। देखिए, इन्होंने सुराही भी बनाई, घड़े भी बनाए, बाउल भी बनाए, तो ये क्या हुआ? कुम्हार। कुम्हार। नून को हे से मिलाए, नन ना, नन्ना बच्चा, छोटा बच्चा। ये बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, ये है नन्ना बच्चा, ये है नन्ना बच्चा, नन्ना 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 जी। बेटा, आज हमने मुरक्कब हरूफ इत्यादि से बनने वाले अल्फाज को पढ़ा और उनकी तस्वीर भी देखी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सा इंजॉय भी किया होगा और इसको लर्न भी किया होगा, याद भी किया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी सराउंडिंग्स आपके इर्द गिर्द में से थी, जो आपके इर्द गिर्द आपके घर में आपसे रिलेट करती हैं, जिनको आप पहले देख चुके हैं।
आपने इन हरूफ मुरक्कब हरूफ तरजी को इस्तेमाल करते हुए और भी ऐसी चीजें जो आपके घर में मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द आपके माहौल में, उनको फाइंड आउट करना है कि कौन सी मुरक्कब हरूफ तरजी से बनती है, कौन से भारी हरूफ से बन रही है ये। जी अब हम अपने उर्दू पहला कदम वर्कबुक से। जी प्यारे बच्चों, अब हम अपनी उर्दू वर्कबुक पहला कदम से कुछ पेजेस हम अपनी दोहराई करेंगे, क्योंकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी जब तक दोहराई ना की जाए तो वो हमारी लर्निंग में नहीं, वो हमें अच्छे तरीके से लर्न नहीं होता। ठीक है, जो हम पहले से मशक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन अल्फाज की हम पहले पहचान कर चुके हैं या जिनसे हम अल्फाज बना चुके हैं, तो अब हम उनकी दोहराई करेंगे, उनसे रेलिवेंट इस बुक पे वर्क बुक पे पेजेस सॉल्व करेंगे ताकि वो हमें और ज्यादा हमारी लर्निंग स्ट्रांग हो जाए। जी इस सफे पे हम हरूफ को बड़ी से जोड़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बड़ी से बनने वाले अल्फाज, बड़ी से जोड़ने वाले, अब हम इसकी रिइंफोर्समेंट करेंगे, इसकी दोहराई करेंगे, तो हम अरूफ तहजी के आदि अश्कार को हम जोड़ेंगे बड़िए से, हम जोड़ेंगे बड़िए से, और उसके बाद हम पेज नंबर 31 पे हम बाकी अरूफ तहजी के अल्फाज को आदि अश्कार को मिलाएंगे बड़िए से, और हम पूरी अरूफ तहजी के को हम बड़िए से जोड़ेंगे, उसके बाद हम आदा करेंगे खुशखती करेंगे जो अल्फाज है। पहला लफ्ज है जाल, फिर जान, चोर, चार, जीम से बनने वाले अल्फाज, चे से बनने वाले, हे से और थे से बनने वाले अल्फाज, उनकी हम यहाँ पे उनकी दोहराई करेंगे, उनको लिखेंगे, उनको लर्न करेंगे। जाल, जान, चोर, चार, हाल, होज, खास, खाक। उसके बाद हम इन जोर के तोड़ करेंगे, जोर के तोड़ अल्फाज है उनको हम तोड़ेंगे कि ये कौन से हर्फ से मिलकर बने हैं। पहले हमने क्या किया, हमने अल्फाज हमने हरूफ को जोड़ के अल्फाज बनाए, हमने हरूफ को जोड़ के अल्फाज बनाए, अब हम अल्फाज को तोड़ेंगे, अल्फाज को देखेंगे कि एक कौन कौन से हर्फ से मिलकर बनते हैं। इन जोड़ के हम तोड़ करेंगे, इन अल्फाज को तोड़ेंगे और हम देखेंगे कि ये अल्फाज किन किन हर्फ से मिलकर बने हुए, किन किन हरूफ से मिलकर बने हुए। तो पहला हमारे पास लफ्ज क्या है, हर्फ क्या है, लफ्ज हमारे पास खूब खूब खूब। तो ये देखिए हम इसके साउंड पे अगर आवाज पे फोकस करें उसको देखें तो खू खू, पहला कौन सा लफ्ज है हमारा, खे खे वाओ खू बे खू। तो पहला हमारा लफ्ज है हर्फ है खे, फिर वाओ, फिर बे, खे वाओ खू बे क्या बन गया, खू खू। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है हाल 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 हाल। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहला हमारा हर्फ है हे अलिफ हा, और क्या रह गया, लाम, हे अलिफ हा लाम हाल 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 हाल। नेक्स्ट है जी बात बात, बे अलिफ बात ते बात पाते बात। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पाक, पे अलिफ पाक के काफ पाक, पे अलिफ पाक, और जब हम काफ को मिलाते हैं तो बनता है पाक। तो पहले कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ, पे, फिर अलिफ और फिर काफ, ये है हमारा से हर्फी लफ्ज, तीन हर्फी लफ्ज जिसमें हम तीन हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है जी, जीम अलिफ जा गाफ जाग जाग, पहले क्या आया जीम, फिर अलिफ, जीम अलिफ जा, फिर आ गया जी गाफ जाग, खास खे अलिफ खा, ये हमारे तीन हर्फी अल्फाज हैं। साल खास, ते अलिफ ता रे ता, ते अलिफ ता रे ता, ता ता ते अलिफ ता ते ता, ते अलिफ ता ते ता। नेक्स्ट क्या है जी, बे अलिफ बा पे बाप, ये है बाप, पहले क्या इस्तेमाल हुआ बे, फिर इस्तेमाल हुआ अलिफ और फिर इस्तेमाल हुआ पे, क्या बना बा बा, तीन हर्फी लफ्ज। नेक्स्ट है जी चार, चे अलिफ चार रे चार, ये भी तीन हर्फी लफ्ज है, इसमें तीन हर्फ इस्तेमाल हुए, पहला हर्फ है चे, फिर अलिफ
और फिर रे क्या बना, चा चा चा। इसको करने के बाद पेज नंबर 34 पे हम दाल का इस्तेमाल करेंगे। दाल को हम मुसब्बतों के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद हम खुशखती करेंगे। दाल दाल दाम दा, दाल से बनने वाले अल्फाज की खुशखती करेंगे। फिर हम दाल दाल को मुसब्बतों से जोड़ेंगे और उसकी अल्फाज, अगर हम मुसब्बतों से जोड़ेंगे दाल को तो उसकी आवाज कैसे तब्दील होती है। दाल डा दाल वाओ डो, दाल छोटी है डी और दाल बड़ी है डे, डा डो डी डे। नेक्स्ट क्या होगा, हम कुछ खती करेंगे दाल से बनने वाले अल्फाज, डाक डाल डोर और डोल की, डोर और डोल की। जाल का इस्तेमाल, अभी हम दाल के खानदान को लेकर चल रहे हैं। जाल का इस्तेमाल, जाल को मुसब्बतों से जोड़ेंगे उसके बाद उसकी खुश खती करेंगे। जार अली जार पे जात, जार रेली जार जर्रा, जार व जोक आप जोक, जात जर्रा और जोक। नेक्स्ट है जी रे का इस्तेमाल, दाल का खानदान खत्म, रे का खानदान शुरू। पहला लफ्ज रे, रे का इस्तेमाल, रे को मुसब्बतों के साथ जोड़ेंगे। मुसब्बतों के साथ जोड़ के क्या चेंज होते हैं, अल्फाज चेंज, उन हर्फ की आवाज चेंज रहती है। रे को अलिफ से जोड़े तो बनता है रा, रे वाओ रो, रे छोटी है री और रे बड़ी है रे, रा रो री रे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, खुश खती करेंगे रे से बनने वाले अल्फाज, रे अलिफ रा ते रा, रे अलिफ रा नून रान, रे अलिफ गा, रे अलिफ रा गा रा, रे वा रू पे रू, रात रान राग रू। इन अल्फाज को पढ़ेंगे, इनकी खुश खती करेंगे। और अड़े और जे का इस्तेमाल, इन दोनों को हम मुसब्बतों के साथ जोड़ेंगे और इनकी अल्फाज, इन हरूफ की कैसे इनकी आवाज तब्दील होती है, रा रू री रे जा जू जी जे। और खुश खती करेंगे, तोड़ जोड़ बाज जोर, बाज जोर। इन अल्फाज में अड़े और जे को इस्तेमाल करके ये अल्फाज बनाएंगे, इसकी खुश खती करेंगे और इनको याद करेंगे। जी प्यारे बच्चों, ये है हमारी उर्दू नोटबुक। हमने उर्दू वर्कबुक पे बड़ी से बनने वाले, बड़ी से हमने हरूफ तर्जी को मिलाया। अब हम नोटबुक पे छोटी ए के साथ हम हरूफ तर्जी को मिलाएंगे और इसकी रिइंफोर्समेंट करेंगे, इसकी दोहराई करेंगे। दोहराई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी पेज नंबर 29 पे हम क्या करेंगे, इन हरूफ को छोटी ए के साथ मिलाएंगे, छोटी ए के साथ मिलाएंगे और जब इनको मिलाएंगे तो इनकी आवाज कैसे तब्दील होती है। छोटी एक मुसब्बत है, मुसब्बत के साथ हम क्या मिलाते हैं, जब अल्फाज को हरूफ को मिलाते हैं तो उनके अल्फाज, उनकी साउंड चेंज हो जाती है। इस पेज पे हम इनको बे के खानदान को और जिम के खानदान को मिलाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम दा रे सीन फिर स्वाल और फिर बाकी हरूफ ताजी को हम छोटी ए के साथ जोड़ेंगे। पेज नंबर 32 तक हम हरूफ ताजी को छोटी ए के साथ जोड़ेंगे और देखेंगे, पढ़ेंगे कि हरूफ की कैसे आवाज तब्दील हुई है छोटी ए के साथ मिलके। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 33, इस पे हम लफ्ज को तस्वीर से मिलाकर हरूफ बनाएंगे। लफ्ज को तस्वीर से बनाकर हरूफ, जैसे साबुन, साबुन को साबुन से मिला के, साबुन को पिक्चर से मिला के हम देखेंगे अल्फाज इनके। देखें यहां है इसके तोड़, स्वाद अली बेनून साबुन, फिर है बकरी, ये है बकरी और ये है बकरी के हरूफ, बकरी के हरूफ। ये है चिड़िया, चिड़िया को पिक्चर से मिलाया और ये है चिड़िया के हरूफ, चेड़े ये अलिफ या चिड़िया। किताब, किताब को किताब की पिक्चर से मिलाया और फिर हम इसको इसके हरूफ से मिलाएंगे। हरूफ कहाँ है, काफ ते अलिफ बे किताब। यह है सूरज, सूरज और ये है सूरज के हरूफ, सी वो रे जिम सूरज। मुर्गी, मुर्गी से मिलाया, मुर्गी की पिक्चर से मिलाया और मुर्गी के हरूफ मीम रे गैन छोटी से मिलाया, मुर्गी मुर्गी। जी इस एक्टिविटी को करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे मुजक्कर मोनस पढ़ेंगे। जी बच्चे, मुजक्कर मोनस क्या होते हैं, मुजक्कर मोनस हम यूज करते हैं जेंडर्स के लिए, हम जेंडर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम यूज करते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन यूज करता है और यूज होता है मेल के लिए और फेमिनिन यूज होता है फीमेल के लिए, औरत के लिए। तो जी ये देखिए हमारे रिलेशन है,
जिनमें हम डिफाइन करेंगे मुजक्कर और मोनस को। मुजक्कर दादा है, दादा हमारे मुजक्कर है, तो हमारी मोनस क्या होंगी? दादी होंगी। क्या होंगी? दादी। दादी क्या होंगी? हमारी मोनस होंगी। नाना, नानी। नाना मुजक्कर है तो नानी क्या है? मोनस होंगी। मुजक्कर मोनस ये जिंस को जाहिर करते हैं, ये जेंडर को डिफाइन करते हैं। लड़का सॉरी अबू अम्मी, अबू अम्मी, अबू मुजक्कर है, अम्मी मोनस है। अबू की मोनस क्या है? अम्मी। लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, टू ऑपोजिट जेंडर्स, दो मुख्तलिफ जेंडर्स हैं ये। राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी। चाचा चाची, चाचा चाची, चाचा मुजक्कर है और चाची क्या है? मोनस है। चाची क्या है? मोनस है। चाची क्या है? मोनस है। इस तरीके से आप अपने रिलेशन में और देखिएगा कि जैसे बहन भाई, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, अब्बू अम्मी, मामी मामू मामी, ये सारे मुजक्कर और मोनस है जी। नेक्स्ट देखिए, तस्वीर के नाम के हरूफ की तरतीब करके लिखिए। अब ये हमारे पास तस्वीर भी है, इनके इनके नाम भी लिखे हुए। पहले तस्वीर क्या है? सेब। सेब की तस्वीर है, सेब हमने साथ में राइट किया हुआ है। तो हम अब ये सेब के हरूफ, ये वैसे ही बिल्कुल ठीक है, सीन ये बे सेब। नेक्स्ट है अनार, अनार, अनार के हरूफ देखिए ये तरतीब से नहीं राइट हुआ है, ये नून अलिफ रे अलिफ, तो ये तो अनार नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे? पहले आएगा अलिफ, फिर नून, फिर अलिफ और फिर रे, क्या बनेगा? अनार। क्या बनेगा? अनार। नेक्स्ट है जी जहाज, जहाज, जीम हे अलिफ जे, जहाज, जीम को हम मिलाएंगे हे से तो, और हे को अलिफ से मिलाएंगे, जहा और जे बन जे, जहाज, जहाज। ताला, ताला, ते अलिफ लाम अलिफ ताला, ते अलिफ ता लाम अलिफ ला ताला। पौधा, ते वाव पो दालिफ दा पौधा, यह है टोपी, ते वाव टो पे छुटी पी, टोपी, 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 टोपी। जी इसको करने के बाद हम पेज नंबर 36 पे हरूफ को बढ़िया से जोड़ेंगे। जैसे कि हम उर्दू वर्कबुक पे हमने हरूफ को बढ़िया से जोड़ा, प्रैक्टिस का मतलब अगेन प्रैक्टिस है यहाँ पे। इसका इसका मकसद ये है कि आपको लर्निंग और ज्यादा अच्छी हो जाए, आपको इसकी पहचान अच्छी हो जाए, इसके साउंड्स भी अच्छे तरीके से याद हो जाए। जी पेज नंबर 37 पे भी आप हरूफ तहजी को बढ़िया से जोड़ेंगे, सेम प्रैक्टिस आपकी होगी पेज नंबर 38 पे, 39 पे। जी मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, आपकी दोहराई भी हो रही है और आप नया लर्न भी कर रहे हो। तो अपनी दोहराई को जारी रखना है ताकि आपको प्रीवियस जो आपने लर्न किया है वो भूले नहीं, आपको अच्छी तरीके से वो याद रहे, और जो आपको आपने नया पढ़ा है उसको भी तवज्जो से आपने पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा सा पढ़ेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, अपने वर्कबुक पे, नोटबुक पे, और अपनी बुक से आप इसके अच्छे तरीके से लर्निंग करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।